एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट पार्ट, उसमें से फर्स्ट पार्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग. मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ y ही चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x. आई वॉन्ट डी वाई बाई डी एक्स, बट दिस आई हैव टू यूज, फॉर दिस आई हैव टू यूज द इनवर्स फंक्शन. मतलब आई विल फाइंड आउट व्हाट इज डी एक्स बाई डी वाई और फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करूंगा बाई मेकिंग यूज ऑफ डी एक्स बाई डी वाई. समझ में आ गई बात? सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंड फॉर दिस, और इसको फिर रेसिप्रोकल होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर. नाउ फॉर दिस x should be expressed as an inverse function of y, तब जाके मैं dx by dy लिख सकता हूँ. So using the inverse function, x is equal to f inverse of y of the following. तो उसमें से पहला function अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि x should be written as the function of y. I repeat, x should be written as a function of y. सो आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड वाला क्वेश्चन. देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या सॉल्व करूंगा मैं आपको एक बार बता दूँ. विच ऑल क्वेश्चन आई विल सॉल्व. क्वेश्चन नंबर वन मेकर टू, वन सब पार्ट टू. आई हैव टू एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई. तो एक्स मुझे एक साइड में चाहिए, तो पहले तो उसको हम स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग दिस विल गिव मी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस रूट एक्स. अब माइनस रूट एक्स इस तरफ आएगा, प्लस रूट एक्स माइनस इज इक्वल टू टू माइनस वाई स्क्वायर. और एक बार इसको स्क्वायर कीजिएगा तो दिस विल गिव यू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू फोर. अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो दिस इज कॉल्ड एज डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस एट वाई प्लस फोर वाई क्यू. जीरो माइनस एट वाई प्लस फोर वाई क्यू, इजंट इट? नाउ आई हैव टू एक्सप्रेस दिस एस डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स, वन सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. स्क्वेयरिंग मतलब ये स्क्वेयरिंग में ऐसा लिखूंगा इसका. आई राइट दिस एज, उसका स्क्वायर में इस तरह से लिखूंगा टू माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. और अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो दिस इज कॉल्ड एज डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स टू माइनस वाई स्क्वायर टू टाइम्स ब्रैकेट इंटू डी बाय डी वाई ऑफ ब्रैकेट टू टाइम्स ब्रैकेट इंटू डी वाई डी बाई डी वाई ऑफ ब्रैकेट ऐसा बनेगा. बराबर है? सो दैट इज नथिंग बट टू इंटू टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, इसका डेरिवेटिव जीरो माइनस टू वाई. सो दैट इज इक्वल टू, बोलो, दिस विल बी नथिंग बट माइनस फोर वाई इंटू टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इंटू टू माइनस वाई स्क्वायर. नाउ आई नो दैट y is equal to this and y square is equal to this. ये मैं substitute करूँगा. y is equal to square root of 2 minus root x. ये y के जगह पर होगा and y square के जगह पर होगा. y square is equal to 2 minus root x. Let me substitute these things here. So this will become dx upon dy is equal to minus 4 into square root of 2 minus root x
इंटू 2 माइनस y स्क्वायर दैट इज 2 माइनस रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो रूट एक्स इधर आएगा, सो दिस इज माइनस 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। सो दिस इज अवर डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन फॉर्मूला में अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, सो दैट इज माइनस 1 अपॉन 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। सो दिस इज व्हाट वी गेट देयर, दिस इज व्हाट वी गेट देयर, इज दैट ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 2। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। अगला क्वेश्चन 1 सब पार्ट 6, 1 मेक अ 6, ये रहा 1 सब पार्ट 6 इज द क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस 3। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे dy बाय dx चाहिए, but I will write it as reciprocal of dx upon dy and that is equal to, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to write x as inverse function of y, so x, this is y is equal to something something, I have to write x is equal to something something, तो इसके लिए पहले ये बनेगा y plus 3 is equal to e raised to x is equal to e raised to x, ठीक है, and उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, नाउ दिस इज इंडिशियल फंक्शन, इंडिशियल इक्वेशन ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, देन एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई टू द बेस ए। हाँ क्या? हेलो, नथिंग। सो दिस विल बिकम एक्स इज इक्वल टू log of y plus 3 to the base e। मेरा discontinue हो गया था क्या? ओके ठीक है, सो log x to the base e ऐसा हो जाएगा, ये है logarithm, I converted the initial equation into logarithmic equation, if a raised to x is equal to y then x is equal to log y to the base e, लेकिन mathematics में log जब to the base e होता है तो वो हम e नहीं लिखते, it is hidden there, so this is log of y plus 3, ऐसा बनेगा। अब मुझे चाहिए dx by dy, so differentiating with respect to y, so what is this going to become, this will become dx upon dy is equal to log of bracket is 1 upon bracket into d by dy of bracket. What this bracket is? This bracket is y plus 3. So, this is dx ka derivative 1 aayega. So, this will be 1 upon y plus 3. As simple as that. This is 1 upon y plus 3. But y plus 3 is e raised to x. So, I'll write it as 1 upon e raised to x. Ab mujhe chahiye dy by dx. अब मुझे चाहिए dy by dx which happens to be, so I'll say dy by dx is the reciprocal of dx by dy, so this is equal to simply e raised to x and that's the answer. Is this clear to you all? Is this okay? Is that fine? अगला question, the next question I'll go for is question number 1 सब पार्ट 7, 1 में का 7, ये रहा। तो दिस इज 1 सब पार्ट 7। वंस अगेन मुझे उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, x इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ y, so this is nothing but logarithmic exponential function, I'll convert it into logarithmic, so ye ban jayega log y to the base e is 2x minus 3,
बट जब वो e होगा बेस तो हम लिखते नहीं है, सो इट विल बिकम 2x इज इक्वल टू 3 प्लस log y, और x इज इक्वल टू 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 log y. अब हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दिस विल बिकम dx अपॉन dy. 3 बाय 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, हाफ विल बी एज इट इज, एंड 1 अपॉन y आएगा log y का डेरिवेटिव, सो दिस इज 1 अपॉन 2y. लेकिन ये y इज इक्वल टू e रेस टू 2 टाइम्स e रेस टू 2x माइनस 3 ऐसा बनेगा. सो विल से हियर dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, मतलब इसका रेसिप्रोकल, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स e रेस टू 2x माइनस 3, दिस इज dy बाय dx. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? हेलो, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन. This is question number 7. 1 subpart 7. So this is question number 1, make a 7. अब मुझे x is equal to f inverse of y लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? So I'll say this is log this to the base this. Now, so I'll say this is nothing but change of base formula. Log A to the base B is actually equal to log A upon log B. This is called as change of base formula. Logarithms ke formula. So this will become log of x by 2 divided by log 2. Now, ye log 2 udhar chala jayega. Ya to fir इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यार, इतना सब करने की जरूरत नहीं, इससे आसान हो जाएगा ये. अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इंडाइशियल इक्वेशन से, लॉगरिथमिक इक्वेशन से इंडाइशियल इक्वेशन में, बिकॉज यू नो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, सो दिस विल बिकम a रेस टू y इज इक्वल टू x, सो दिस विल बिकम 2 रेस टू y इज इक्वल टू x बाय 2, और x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 रेस टू y, और x इज इक्वल टू 2 रेस टू y प्लस 1, इस तरह से बन जाएगा. अब हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, सो दिस विल बी कॉल्ड एज dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 रेस टू ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम 2 रेस टू ब्रैकेट log 2 इनटू dy dy ऑफ ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज y प्लस 1, इस ब्रैकेट इज वाई प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 रेस टू वाई प्लस 1 इंटू लॉग 2 इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 1. गौर से देखिए, ये एक्चुअली अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो 2 रेस टू वाई प्लस 1 इज एक्चुअली x, सो दिस इज बेसिकली x log 2, दिस इज dx by dy, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी dy by dx, it is 1 upon dx by dy, that is equal to 1 upon x log 2, या फिर मैं इसको 1 upon log of 2 raised to x ऐसा भी लिख सकते हैं. Anyways, I can write it anyways, by any means I can write it, this is 1 make a 6. इसको आंसर्स भी हम देख सकते हैं. Translation answers. So let's go for the next question now. Question number 2, make a 1. Question
2 सब पार्ट 1 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 1 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इसका इनवर्स फंक्शन का मुझे चाहिए सो हमें जो दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और देयरफॉर व्हाट विल बी x इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन ऑफ y नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y डेरिवेटिव of derivative of ये जो inverse function है मतलब derivative of inverse function it's called as dx upon dy तो मुझे यहाँ पर dx upon dy अगर find out करना है तो कैसे find out कर सकते हैं inverse function का derivative मतलब इसका derivative होगा Now, I have been given that y is equal to x square into e raised to x. ये मुझे बताया गया है. तो अगर मैं उसको differentiate कर दूँ with respect to x, ये बन जाएगा dy by dx, which is first function as it is derivative of the second plus second function as it is derivative of the first. ऐसा बनेगा. बराबर है क्या? So यहाँ से हम x e raised to x common ले ले तो bracket के अंदर आएगा x plus 2 इस तरह से अब मुझे चाहिए derivative of inverse function मतलब dx by dy so what is dx by dy it is 1 upon dy by dx 1 upon dy by dx तो dy by dx तो हम पहले से ही find out कर चुके हैं so this will become 1 upon x into x plus 2 into e raised to x well this is the final answer Is this clear? Hello, is this okay? Hello, is this clear? Similarly, उसका अगला question. ये समझ में आ रहा है क्या? देखिए इसका answers अगर हमको देखने हैं, the answers are also given here. ये रहा पहला वाला answer. 2 में का 1. ये उसका answer. ये उसका answer है. ठीक है? Now I'll go for question number 2, sub part 3. 2 make a 3 बताइए इसको कैसे करेंगे सर टेल मी टू सब पार्ट 3 देखिए मुझे dx upon dy चाहिए और उसके लिए मैं 1 अपॉन dy by dx ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो बस सिंपल है इसका dy by dx क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड इसका डेरिवेटिव आएगा 7 रेस टू x log 7 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 7 रेस टू x into 1 7 रेस टू x कॉमन निकालिए दिस विल बिकम x log 7 प्लस 1 दिस इज dy by dx So, what will be dx by dy? dx by dy बहुत simple हो जाएगा. dx upon dy is just the reciprocal of this. This will be 7 raised to x. Bracket के अंदर आएगा x log 7 plus 1. Or in other words, ये x इधर जा सकता है. So, this can be written as 7 raised to x into log of 7 raised to x plus 1. ये होगा उसका आंसर. Final answer. Is this clear? Is this okay? Hello? Answer check करते हैं. Final answer पीछे भी होगा. अभी same ही होगा. चलिए. ये रहा उसका final answer इधर का. ये रहा वही answer. ये रहा उसका आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 2 सब पार्ट 5
टू सब पार्ट फाइव y इज इक्वल टू x log x. बड़ा सिंपल है. वंस अगेन आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज dx अपॉन dy, जिसके लिए मैं फाइंड आउट करूंगा dy by dx एंड आई विल फाइंड आउट द रेसिप्रोकल फॉर द सेम. तो यहां से मुझे मिल जाएगा dy by dx इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log x. और इसका जब डेरिवेटिव हम ले लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेना जाएगा तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस log x, दैट्स इट. 1 अपॉन 1 प्लस log x, दैट्स द आंसर. समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? रहा 1 अपॉन 1 प्लस log x. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. ये रहा उसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में का 3. थ्री क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 3. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. डेरिवेटिव मतलब यू हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट dx अपॉन dy. आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट. सो आई हैव टू फाइंड आउट dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 1. बस तरीका वही है. इट्स द सेम. यू हैव टू सॉल्व इट बाय द सेम मेथड. So first of all, I'll find out what is dy by dx. So जिसके लिए मुझे differentiate करना पड़ेगा with respect to x. So dy by dx is equal to 6x plus 2. ये 3 इधर ही लेके आते हैं. So इसको मैं 6 बना देता हूँ. Log x is 1 upon x. ठीक है? So this is 6 bracket x plus 1 upon x. So what will be dx upon dy? Dx upon dy is 1 upon 6 x plus 1 upon x. Now what will be the dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. तो बेसिकली ये तो बन जाएगा तुम्हारा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. इसका रेसिप्रोकल होगा x अपॉन 6 टाइम्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड इफ आई वांट इट एट सम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1, तो बस मेरे को इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. दिस इज लाइक x अपॉन 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस विल बी एट एक्स इज इक्वल टू 1. तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 6 इंटू 2. सो दैट विल बी 1 बाई 12 इज द आंसर. 1 बाई 12 ये रहा 3 में का 2. 1 बाई 12 सॉरी 3 में का 3. 1 बाई 12 ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ थ्री सब पार्ट फोर्थ. I want
डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो उसके लिए पहले मैं फाइंड आउट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स। रिमेंबर फर्स्ट आई विल फाइंड आउट व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट, इट इज कॉस ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट प्लस टू एक्स। सो वॉट विल बी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस टू, टू माइनस टू कॉस जीरो प्लस टू इंटू टू। तो कॉस जीरो इज वन, वन प्लस फोर इज फाइव। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज दिस ओके? 1 upon 5 is the final answer. That's what is expected. समझे क्या? You get the same answer. आना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन थे अभी तक के ये सारे। अभी शुरू करते हैं अगला। यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट। ये अपने को प्रूव करना है द हेल्प ऑफ यूजिंग द डेरिवेटिव। सो पहले तो मैं बोलूंगा लेट अस कंसीडर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। Let y is equal to f of x is equal to sec inverse of x. Plus cosec inverse of x. ठीक है? Therefore, what will be dy by dx? और f डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो हमने कल देखा था इट इज इक्वल टू वन अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन। और ये फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं दैट इज इक्वल टू जीरो। बराबर है? So we'll say that f dash of x is equal to 0 and therefore f of x is a constant function. F of x is a constant function. ठीक है? Also, अब ये जो equation है, I'll call this as equation 1. We'll say put x is equal to 1 in equation 1. इसमें अगर मैं x is equal to 1 put करूंगा तो यह बन जाएगा f of 1 is equal to sec inverse of 1 plus cosec inverse of 1. बराबर है क्या? तो sec या cosec inverse of 1 क्या बन जाएगा? Is equal to 1 कैसे बनेगा? sec inverse of 1 plus cosec inverse ऐसा फंक्शन की जिसका sec रेशो 1 है सो दैट इज 0। नहीं 0 नहीं, क्या होता है
ऐसा एंगल कि जिसका सेक सेक वन है, सेक ऑफ जीरो ना, एंड ऐसा एंगल कि जिसका कोसेक इज वन। देखिए साइन ऑफ पाई बाय टू इज इक्वल टू वन एंड देयरफॉर कोसेक ऑफ पाई बाय टू इज इक्वल टू वन एंड देयरफॉर पाई बाय टू इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ वन। समझ में आ गई बात? सो इसका आंसर आएगा पाई बाय टू, दैट मीन्स एफ ऑफ वन इज इक्वल टू पाई बाय टू, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया एफ ऑफ वन इज इक्वल टू पाई बाय टू, इजंट इट? और ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू फॉर ऑल एक्स। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, वो कॉन्स्टेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? देयरफॉर सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। हेंस प्रूव कर लिया हमने ये। चेक इफ इट इज क्लियर टू ऑल। यहाँ तक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहे हैं। अब आगे, इसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं वहाँ पे कुछ थोड़ी सी डेवलप डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स। ईयर सिक्स में का डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिक्स में का टू, ये है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, सो आई ट्रीट दिस एज कोसेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, cosec inverse of bracket. So what is the derivative of cosec inverse of x? What is the derivative of cosec inverse of x? अगर आपको याद होगा तो previous lecture में जो हमने notes लिखे थे, formula लिखे थे, cosec inverse of x का derivative क्या है? cosec inverse of x का derivative क्या है? ये रहा derivative of cosec inverse of x. This is cosec inverse of x. तो उसके लिए हम कौन सा वाला formula लेते हैं? cosec inverse of x के लिए आई विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, d by dx of cosec inverse of x. ओके, आई विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। सो लेट्स गो टू दिस नाउ। सो दिस विल बी dy by dx is equal to minus 1 upon bracket into square root of bracket square minus 1 into d by dx of bracket, क्योंकि derivative of cosec inverse of x हमने क्या लिखा था? The derivative of d by dx of cosec inverse of x is minus 1 upon x square root of x square minus 1. ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के जगह पर है e raise to minus x. This is e raise to minus x. This is e raise to minus x. Now that is equal to minus 1 upon. This will become e raise to minus x. ये e raise to minus x actually ऊपर चला जाएगा. So this will become e raise to plus x. और ये बन जाएगा e raise to minus 2x. माइनस वन, ओके, इनटू, अब इसका डेरिवेटिव। नाउ यहां पर डेरिवेटिव लिखते समय दोबारा वंस अगेन दिस इज ई रेस टू एक्स नहीं है तो ई रेस टू ब्रैकेट है, ई रेस टू एक्स नहीं है वो ई रेस टू ब्रैकेट है वो। समझ में आ गई बात? तो यहां पर उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? देखिए व्हाट बी द डेरिवेटिव फॉर दिस, इसमें ई रेस टू ब्रैकेट into d by dx of bracket. Now this time bracket is minus x. This time bracket is minus x. ठीक है?
तो अब देखिए, ई रेस टू एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल होगा, ई रेस टू डेरिवेटिव माइनस एक्स इज माइनस वन, तो ये माइनस वन और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस बिकम वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू माइनस टू एक्स माइनस वन. ओके, दिस इज द आंसर सिक्स मेगा टू, दिस इज द आंसर सिक्स सब पार्ट टू. ये रहा आंसर, रेस टू एक्स कहां से आ गया भाई. अब देखिए, उन्होंने जो आंसर दिया है, उन्होंने जो आंसर दिया है वो कैसा दिया है आंसर, दे हैव गिवन द आंसर लाइक दिस, बट ये आंसर और ये आंसर सेम ही है. आई कैन प्रूव हाउ, आई कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, या तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन ई रेस टू टू एक्स माइनस वन, दैट इज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस ई रेस टू टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट रेस टू टू, और ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएगा, तो सीधे कम ई रेस टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ई रेस टू टू एक्स. समझ में आ गई बात, प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यूर, हेलो एंड दैट्स द आंसर. समझ में आया, समझे, हेलो, समझ में आ गया. अगला क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर सिक्स में का सिक्स, दिस वन क्वेश्चन नंबर सिक्स सब पार्ट सिक्स. कैसे करेंगे इसको सॉल्व, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, सो व्हाट विल बी डीवाई बाय डीएक्स, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ ब्रैकेट. भाई ये ब्रैकेट क्या है देखते हैं, अब ये ब्रैकेट क्या है, लुक एट दिस केयरफुली, व्हाट इज दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू. नाउ दैट इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो इसको स्क्वायर रूट, स्क्वायर रिंग या स्क्वायर रूट ये दोनों भी चले जाएंगे, एंड दिस विल बी लाइक वन अपॉन, ये वाला अंदर का स्क्वायर रूट चला जाएगा, बाहर का स्क्वायर रूट विल बी एज इट इज वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू. ओके, और इसका डेरिवेटिव में दिस इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ये ब्रैकेट आएगा, सो दिस इज वन अपॉन टू रूट ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. क्या ब्रैकेट है ये, दिस इज वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू. अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, सो दिस विल बिकम वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू, ये टू ऊपर चला जाएगा, दिस हाफ विल बी एज इट इज, ये रूट ऑफ जो भी है ये उल्टा हो जाएगा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लिख लेते हैं तो पहले तो हाफ बाहर रहेगा, वन का डेरिवेटिव जीरो एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स. इस तरह से इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये टू कैंसिल होगा इसके साथ, ठीक है, ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट टू और ये रूट टू, इट्स टू एंड टू एंड टू कैंसिल, इस तरह से तो कुल मिलाकर बनेगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स, सो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी वन माइनस एक्स रेज टू फोर एंड दैट विल बी द आंसर. ये रहा आंसर सिक्स वाला, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू फोर, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू फोर, दैट इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? Is that okay? So that's the answer there. Okay? And I think we'll stop here today.